सोलन के अस्पताल रोड पर एक निजी स्कूल के साथ विशालकाय पेड़ कभी भी गिर सकता है। इस पेड़ का तना पूरी तरह से खोखला हो चुका है और पेड़ के गिरने का खतरा हर समय बना हुआ है, जिसके चलते रास्ते से गुजरने वाले लोग और स्थानीय निवासी भय के साए में जीने को मजबूर हैं। सोलन के अस्पताल रोड पर एक निजी स्कूल के साथ खड़ा ये विशालकाय पेड़ स्कूली बच्चों और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस पेड़ के साथ ही बिजली की तारें भी हैं। ऐसे में यदि पेड़ बिजली की तारों के ऊपर गिरता है तो कई दिनों के लिए बिजली तो गुल होगी ही, इन तारों की चपेट में लोगों के आने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे जानी नुकसान का भी अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने पेड़ काटने को लेकर कई मर्तबा वन विभाग और नगर परिषद से पत्राचार भी किया और विभाग की टीम द्वारा मौके का दौरा करने के बाद इसे काटने की इजाजत भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद इसे अभी तक काटा नहीं गया है। करीब 50 से 60 फुट ऊंचे इस पेड़ की जड़ें और तना खोखला हो चुका है। इसके आसपास एक ऐसा ही पेड़ कुछ वर्ष पहले तूफान के दौरान गिर गया था। गनीमत यह रही कि उस दौरान किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पेड़ पैदल जाने वाले रास्ते और मुख्य सड़क के बीच में है। ऐसे में यदि पेड़ किसी भी ओर गिरता है तो इससे भारी नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय निवासी अंशुल ने बताया कि यहां आसपास के लोगों ने पेड़ को काटने के लिए कई वर्ष पहले संबंधित विभागों को आवेदन किया था, लेकिन बावजूद उसके अभी तक की पेड़ कट नहीं पाया है। वहीं इस क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा मालविका ने बताया कि वो रोज इसी रास्ते से गुजरती है और ऐसे में इस पेड़ के गिरने का हर वक्त खतरा बना रहता है। खासतौर पर तूफान और बारिश के दौरान यहां से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ खोखला हो चुका है, ऐसे में प्रशासन को इस पेड़ को काटने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। कि आप पीछे पेड़ देख सकते हैं, ये लगभग 50 से 60 फीट का फुल ग्रोन एक पेड़ है और इस पेड़ के जड़ में और बेस में तकरीबन दीमक लगा हुआ है और इस पेड़ का गिरने का मतलब कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है और इसको गिराने के लिए हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन को अर्जी दी है और कुछ साल पहले यहाँ पास ही एक पेड़ तूफान के दौरान गिरा था मगर उसमें कोई जान माल नहीं हुआ था। तो मगर इस ये पेड़ इतना बड़ा है कि अगर आसपास कहीं गिरा तो या किसी गाड़ी के ऊपर गिरा तो पूरा अनुमान है कि इसमें कोई ना कोई नुकसान ज़रूर आएगा। और पास ही इसके एक स्कूल है जो कि प्री नर्सरी स्कूल है, तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये पेड़ कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए तो उसको जल्द से जल्द काटा जाए। हॉस्पिटल रोड से वार्ड नंबर 9 से मैं जिला प्रशासन से मांग कर रही हूँ कि इस पेड़ को कटवा दिया जाए, क्योंकि अगर ये पेड़ बाई चांस गिर जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारा तो रोज़ का आना जाना है यहाँ से, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे और कई गाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ खड़ी रहती हैं। तो इस मामले में जब सिटी चैनल ने नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर में कई ऐसे पेड़ हैं जिन्हें कटवाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगी है, इस कारण इन पेड़ों को नहीं कटवाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पेड़ के खतरे को देखते हुए वे प्रदेश निर्वाचन अधिकारी से अनुमति के लिए जल्द ही पत्राचार करेंगे ताकि इस पेड़ के गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।